जय जगन्नाथ दोस्तों, वेलकम बैक टू दिशा मामा डेली लाइव ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग टू एवरी ऑल। चलिए फिर आज की ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। जैसे कि आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा, तो आज हमारे सासू माँ जी का आँखों का ऑपरेशन होने वाला है। तो मैंने सुबह सुबह उठकर जो सहजन की साग होती है ना, तो वो लाए थे उसके पापा, तो उसे मैंने, चलो पहले हम उसे साफ़ कर लेते हैं, फिर इसकी हम भाजी बनाएंगे। ये बहुत ही टेस्टी होता है और खाने में भी बहुत ही अच्छा लगता है, और ये बहुत हेल्दी भी होती है। इसमें बहुत सारे विटामिन्स भरपूर होता है और इसमें कोई भी मिलावट नहीं होता, क्योंकि इस साग की जो पेड़ होती है ना, इसमें कोई जो होती है ना केमिकल वगैरह नहीं डालते, ये वैसे ही बनता है। तो ये बहुत ही हेल्दी और हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आप भी ज़रूर बनाकर खाइए, टेस्टी भी लगता है इसकी भाजी और अच्छा भी लगता है। तो चलिए फिर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप मेरी चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो आपको थोड़ा सा अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो अभी मैं साग को अच्छी तरह से साफ़ कर लूँगी। मैंने एक्चुअली उसके पापा ने कल से लाए थे। ये एक साग है ना, अगर आप दूसरे साग को फ्रीज में भी रख लेंगे ना तो वो नहीं कुछ ख़राब होगा, लेकिन ये साग झट जाएगा। तो मैं साग साफ़ कर ली। उसके बाद मेरी सासू माँ जो है वो हॉस्पिटल के लिए निकल रहे हैं उनके बेटे के साथ। तो आज उनके आँखों का ऑपरेशन होने वाला है, और उनका सारी जो रिपोर्ट वगैरह वो आ चुकी है, और आज ही ऑपरेशन होने वाला है। तो ये यहाँ पर हमारे सासू माँ जो है वो वेट कर रहे हैं अपने नंबर आने तक, और उसके बाद उनकी ऑपरेशन हो जाएगी। और फाइनली उनकी ऑपरेशन हो गई है, तो आप देख ही सकते हैं उनकी एक आंख की ऑपरेशन हो गई थी और ये दूसरी आँख है। हाँ, तो उसकी ऑपरेशन होना बाकी था, तो अभी हम लोगों ने करवा दी वो, क्योंकि वो एक आँख से उन्हें ठीक से दिखाई नहीं देती थी। तो अभी ऑपरेशन को 6 घंटे हो गए हैं लगभग, और अभी शाम का वक्त है। तो डॉक्टर ने कहा था कि 6 से 7 घंटे के बाद आप पट्टी निकाल दीजिए। तो पहले मैंने अपने हाथ को अच्छे से साफ़ कर लिया साबुन से, उसके बाद मैंने सैनिटाइज कर लिया अपने हाथ को, और उसके बाद मैं जाकर उनकी पट्टी निकालूंगी। और ये बहुत ज़रूरी है, कभी भी आप कोई मेडिकल केस में अगर आप किसी भी जगह को छूते हैं या अपने हाथों से कुछ भी काम करते हैं ना, तो पहले अपने हाथ को साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे आपके हाथ की जो जर्म है ना वो वहाँ पर चली जाती है, तो वहाँ पर भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसी वजह से मैं अपने हाथ को पहले साफ़ कर ली, उसके बाद धीरे धीरे करके उनकी पट्टियाँ हम निकालेंगे। आँखों की पट्टी जो है ना, उसके पापा है ना वो काम पर चले गए हैं माँ जी को छोड़ के, तो इसी वजह से मुझे ही निकालना पड़ेगा। तो ये जो उन्होंने पेस्ट किया है ना, ये बहुत ही सख्त हो गया है, और निकालने में थोड़ा बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होती है ना। ये उसकी जो पेस्ट है ना वो लग गई है बहुत ही ज़ोरों की, तो माँ जी को भी दर्द होता है, क्योंकि उनके जो मुंह का वो है ना वो उखड़ आ रहा है, तो उन्हें भी बहुत दर्द हो रहा है। तो धीरे धीरे निकालना पड़ेगा, क्योंकि अभी अभी ऑपरेशन हुआ है ना, तो इसी वजह से हमें बहुत ही ज़्यादा सावधानी से इसे निकालना पड़ेगा। देखते हैं, जो पहली बार माँ जी का ऑपरेशन हुआ था ना, तो उस टाइम पे काला चश्मा दिए थे डॉक्टर ने, मुझे जितना याद है, लेकिन इस बार है ना वो सफ़ेद चश्मा दिया है, आप देख ही सकते हैं, वो भी हॉस्पिटल की तरफ से मिला है। और ये फाइनली उनकी मैंने पट्टी निकाल लिया है, आप देख ही सकते हैं। और मेरा बेटा जो है ना वो खड़े होकर देख रहा है कि मेरी मम्मी क्या कर रही है। और निकालने के बाद पट्टी, अभी मुझे आई ड्रॉप भी डालना है उसमें, अभी लगातार 1 महीने के लिए आई ड्रॉप इसमें डाला जाएगा। पहले तो बहुत ज़्यादा बार डाला जाएगा 1 हफ्ते के लिए, उसके बाद धीरे धीरे करके उसको कम किया जाएगा, क्योंकि मुझे ये सब पता है, क्योंकि उनकी जो पहली आंखों का ऑपरेशन हुआ था ना, तब भी मैंने उनकी आंखों में ड्रॉप्स वगैरह डाले थे ना, तो मुझे याद है। तो इसी वजह से चलिए फिर अभी उनकी आंखों में हम ड्रॉप्स डाल देंगे,
धीरे धीरे करके डॉक्टर ने कहा है कि एक कॉटन लेकर आप नीचे की ओर जो भी आंसू वगैरह आएंगे ना, पानी वगैरह, तो उसे धीरे धीरे करके साफ़ कर लेंगे। माँ जी तो बहुत ज़्यादा ही डर गई है, क्योंकि वो बोल रहे हैं मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, दर्द भी हो रहा है उन्हें, तो दर्द के लिए वो डॉक्टर दवाई भी दिए हैं, पेन किलर। तो धीरे धीरे करके ये दर्द कम हो ही जाएगा। तो चलिए फिर पहले हम ड्रॉप डाल देते हैं, अब उसके बाद हम फिर आधे घंटे के बाद एक और ड्रॉप डालेंगे। इसी तरह से बहुत सारे ड्रॉप दिए हैं और उसे डालना होगा। तो इसी के वजह से ही हम माँ जी को लेकर आए थे बाहर, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है, माँ जी आना भी नहीं चाहती थी गाँव से, क्योंकि गाँव की जो होती है ना, हमारी घर जो है ना वो नदी के पास में ही है, तो ज़्यादातर हमारे एनवायरनमेंट ठंडा ही रहता है, तो गांव में वो ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं, और लेकिन शहर में बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, तो इसी वजह से वो थोड़ा सा नानुकर कर रहे थे, लेकिन ये आंखों का ऑपरेशन भी होना ज़रूरी था, तो इसी वजह से हम उन्हें लेकर आए हैं। तो ये देखिए उनकी आँखें हैं ना, जो वो बिल्कुल खुल ही नहीं रही थी, वो पूरी तरह से बंद हो गई थी, सिमट गई थी, तो थोड़ा थोड़ा करके मुझे धीरे धीरे करके खोलकर उसके बाद उसमें आई ड्रॉप डालना पड़ा धीरे धीरे करके, और आज के दिन ही थोड़ा ज़्यादा तकलीफ़ होगी, उसके बाद कल से ये तकलीफ़ थोड़ा कम हो जाएगी, तो उनकी दर्द भी कम हो जाएगी धीरे धीरे करके। तो इसी वजह से आज थोड़ा सा ज़्यादा ही तकलीफ़ होगी उनको, उनकी तबीयत को अच्छा नहीं लग रहा है उन्हें भी, क्या करें। तो मैंने आई ड्रॉप डाल दी उनकी, और इसी तरह से आज फाइनली माँ जी का ऑपरेशन हो गया है। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, जय जगन्नाथ। आप सब बहुत ही खुशहाल रहे, अच्छे रहे, मस्त रहे, और सुरक्षित रहिए, घर में रहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप बढ़ गई है अभी, तो घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, जय जगन्नाथ, बाय बाय।